स्वागत है आप सभी का एलएस कोचिंग में और इंडियन पॉलिटी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम है मनिंदर और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में वो है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली, क्योंकि हम बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कर चुके हैं, तो अब मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हमारे देश का संविधान क्या है, उसकी क्या खास विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट फेमस चीज हमारे देश के संविधान की ये है दुनिया में कि यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों है ये इतना भारी भरकम लंबा चौड़ा लिखित संविधान? लिखित तो है, चलो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा इतना भारी भरकम क्यों है पूरी दुनिया में? उसका रीजन है कि हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और इवन जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो हमारी पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज होती हैं, इन सबके कायदे कानून एक ही बुक में लिखे गए हैं, यानी कि उसके सबका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज का और केंद्र सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। इस वजह से सभी चीजें एक ही बुक में आने की वजह से ये बुक काफी बल्की हो गई है और हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल्स, जैसे हर एक आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया है। तो जब 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय इसमें प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे। आज की सिचुएशन ये है कि मोर देन 446 के आसपास आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। हमारा जो देश का संविधान है इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर आप उत्तर भारत में देखें तो और दक्षिण भारत में देखें, तो इन दोनों डायरेक्शंस की हर एक चीज के अंदर डिफरेंस है, चाहे वो आपके ईटिंग हैबिट्स हो, लैंग्वेज हो, पहनावा हो, फेस्टिवल्स हो, व्हाटएवर, हर चीज के अंदर डिफरेंस है। तो हर चीज और इवन ज्योग्राफिकल सिचुएशन में भी बहुत फर्क है। तो हर एक चीज को, हर एक तबके को एकोमोडेट किया गया है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चले जाएं, वहां तो टोटल ही डिफरेंट है। आप गुजरात, राजस्थान में आ जाइए, वहां टोटल डिफरेंट है। मध्य भारत में आ जाइए, वो टोटल डिफरेंट है। इस तरह से इतने सारे डिफरेंसेस को भी एकोमोडेट करना, एंड हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन भी, उनको भी अपने संविधान के प्रावधानों के अंदर लेके आना, तो ये सारी चीजों ने क्या किया, इस देश को, कि संविधान को बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लोर, डिटेल कर दिया, डिटेल में इसको लेंथी कर दिया। एंड ऑल्सो हमारा जो हिस्ट्री है, हमारे देश की हिस्ट्री है, वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग और बहुत ही वाइब्रेंट रही है। वाइब्रेंट का इन द सेंस कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री में आप देखें तो वी हैव अ वेरी वंडरफुल सिस्टम ऑफ सिटीज, ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो रूलर्स हुआ करते थे, वो वहां से वो सारी चीजें चलती आई। तो वो उस समय की चीजें आज मॉडिफाइड फॉर्म में हमारे सामने। फिर हमारे ऊपर इन्वेजन्स हुए, कई तरह के इन्वेजन्स हुए, ठीक है, हम ब्रिटिशर्स का भी हमने इन्वेजन देखा है, उनका रूल देखा है। तो ये सारी चीजों ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा बल्कि बना दिया है, क्योंकि वहां से भी कुछ चीजें हमने पिक की हैं, उनके भी एग्जांपल्स लेके हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया है। और वैसी ही चीजें द्वारा डोमिनेंस वाली फिर से ना हो, इस चीज का भी ख्याल रखा गया है। नॉर्मली संविधान जो होते हैं वो दुनिया के अंदर रिटन या अनरिटन होते हैं, जिस अब जैसे ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटेन से मैक्सिमम चीजें हमने पिक की हुई है। ये मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस कर दिया था। अभी जो मैंने जितना कुछ बोला वो सब आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हमारे देश का, कहीं पर हिमालय है, कहीं पर मैदानी इलाके हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर जल है, कहीं पर नॉर्मल पहाड़ है, पठार है, सब कुछ है हमारे देश के अंदर। तो हर एक तरह की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है। दूसरी बात, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हमारे देश का संविधान ना केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, बल्कि और भी बहुत से देशों से हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स को पिक किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज पर द अवर नीड उसको हमने ऐड किया है। ठीक है जी, अब वो कौन कौन से देशों से हमने लिया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग जगह से भी इसको लिया गया है, इस वजह से जो भी हमारे देश का संविधान बड़ा हो गया है। ये कुछ देश हैं जिनसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस,
साउथ अफ्रीका, जापान और आयरलैंड से हमने चीजें ली हैं। चलिए ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।